गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ CM1. तो लास्ट डे मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या है CM1 में, लेकिन आज हम लोग जितना भी सब कुछ देखेंगे सब आपके इंश्योरेंस, सब आपके इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. व्हाट इज बेसिक्स ऑफ कंटिंजेंसीज? इंश्योरेंस कंपनी का एक पॉलिसी का मैं आपसे बात करता हूं. मैं जितने साल जीऊंगा उतना साल मैं प्रीमियम पे करूंगा, और मैं जब मर जाऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा जो नॉमिनी है उसको पैसा देगा एज अ क्लेम. तो मैं कितने साल जीऊंगा ये इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं है, एंड मैं कब मरूंगा ये भी इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं है. तो ना तो इंश्योरेंस कंपनी का इनफ्लो सर्टेन हुआ और ना ही इंश्योरेंस कंपनी का आउटफ्लो सर्टेन हुआ. ना उसका इनफ्लो सर्टेन हुआ और ना ही उसका आउटफ्लो सर्टेन हुआ, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रॉफिट्स कमाते हैं, दैट इज ऑल थ्रू एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. अलग अलग तरीके से वो लोग टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कि अगर ये सिनेरियो हुआ तो क्या होगा, अगर ये सिनेरियो हुआ तो क्या होगा, ठीक है. जो मैंने उस दिन बताया था उसमें सारे के सारे चीज क्या थे, सर्टेन थे, लेकिन आज क्या होगा, हर एक चीज अनसर्टेन होगा. इंसान का मरना, एक्सीडेंट होना, बीमार होना, हेल्थ खराब होना, ये सारी चीजें क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, ओके. सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिक्स ऑफ कंटिंजेंसीज. फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इंसान का जीने का या फिर मरने का प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होता है, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए मैं अभी मरूं, 6 महीने बाद मरूं, 1 साल बाद मरूं, तो ये सारा का सारा जो प्रोबेबिलिटीज है ये हम लोग निकालना सीखेंगे, जीने का भी सीखेंगे. अगेन इंश्योरेंस कंपनी वर्क करता है बहुत सारे assumptions पे, तो वो assumptions क्या क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा assumptions important होता है, ताकि हम लोग ठीक तरीके से अपने products का pricing कर सकें, rates ढंग से calculate कर सकें, ठीक है. तो अब जैसे बहुत सारे हम लोग को functions सीखने पड़ेंगे, जैसे कि जो हमने CT1 वाला जो पार्ट में सीखते हैं वो सारे सर्टन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हम लोग सीखेंगे ना उसके संग एक प्रोबेबिलिटी अटैच हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगले साल तक जीऊंगा तो मैं प्रीमियम दूंगा, तो उसका एक एक्सपेक्टेड फिगर आता है. क्या आता है, एक एक्सपेक्टेड फिगर आता है, मतलब अगर मैं अगले साल तक जीऊंगा तो ना मैं प्रीमियम दूंगा, अगर मैं 2 साल के अंदर मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देगा, इस टाइप का चीज. तो हर एक चीज में एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, तो उसी का हम लोग सीखेंगे किस तरीके से फंक्शंस बनाना है, ठीक है. उसके बाद जो हम लोग सीखेंगे दैट इज प्रीमियम्स, इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस किस तरीके से करता है, हाउ डज एन इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट द प्रीमियम्स, ठीक है. रिजर्व्स, व्हाट इज रिजर्व्स? रिजर्व इज अ सम मनी सेट असाइड फॉर मीटिंग द फ्यूचर लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल मैं इंश्योरेंस कंपनी को हर साल 15,000 रुपए दे रहा हूं, बदले में जब मैं मरूंगा इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 50,00,000 रुपए देगा. मैं बोला मैं इंश्योरेंस कंपनी को हर साल 15,000 रुपए दे रहा हूं, जिस साल को मैं मरूंगा इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 50,00,000 रुपया देगा. अब एक बात बताना, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 15,000 रुपए दिया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 15,000 रुपए दिया, फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 15,000 रुपए दिया, तो वो क्या ये पूरा खर्चा कर देगा? नहीं, वो इसमें से कुछ कुछ पैसा सेट असाइड करेगा, क्योंकि जब मैं मरूंगा तब तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो इसमें से क्या करेगा, कुछ कुछ पैसा सेट असाइड करेगा. इसको बोलते हैं रिजर्व्स. तो कितना रिजर्व्स बनाए, कितना रिजर्व्स बनाए, ठीक है. इसमें भी 2 टाइप के रिजर्व्स होते हैं जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, एक होता है ग्रॉस रिजर्व्स और एक होता है नेट रिजर्व्स. वैसे भी प्रीमियम्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेट प्रीमियम और एक होता है ग्रॉस प्रीमियम, ठीक है, ओके. जॉइंट लाइफ, जॉइंट लाइफ, अभी ये सब में क्या है ना, मैं बता रहा था मैं, लेकिन मैं और मेरी मम्मी ने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है. लाइक अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, तो मैं और मेरी होने वाली वाइफ ने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, मतलब 2 लाइफ्स, 2 या फिर 2 से ज्यादा, तो जॉइंट लाइफ भी हम लोग इसमें सीखेंगे कि उन अगर वो सारे पॉलिसीज मेरे को कभी बनाने पड़े, उनका प्राइसिंग करना पड़े, उनका रिजर्विंग करना पड़े, तो किस तरीके से होता है. उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आएंगे,
अगर एक मर गया दूसरा जिंदा है तो क्या होगा, दोनों मर गए तो क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से। जॉइंट लाइफ, कंपीटिंग रिस्क। कंपीटिंग रिस्क मतलब मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कंपीटिंग रिस्क हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए मैं डिस्ट्रैक्शंस बताता हूँ, ये है पढ़ाई। अब आपके डिस्ट्रैक्शंस मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो एंड मैं आपको डिस्ट्रैक्शंस से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। पहला, आपका मोबाइल, मतलब जो सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं। फिर भूख लगना, पढ़ने का मन नहीं करना, किसी से बात करना, ठीक है, सोना। तो ये सारे क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको पढ़ाई नहीं करने देते। तो वैसे ही इंसान, अब जैसे मान लो कंपीटिंग रिस्क का मतलब क्या है, अब मैं आज हेल्दी हूं, क्या मैं सीधा मर जाऊंगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग एक मॉडल बनाने का ट्राई करते हैं। वो मॉडल का मैं आपको बेसिक दिखाता हूँ। मैं आज हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी से सिक हो सकता हूँ, और यहाँ पर एक डेड स्टेट है। तीन स्टेट एक बार बेसिक मैं आपको समझाता हूँ, फिर तो अपने पूरा डिटेल में करेंगे। मैं हेल्दी से सिक हो सकता हूँ, मैं सिक से डेड हो सकता हूँ। मैं हेल्दी से सिक हुआ मतलब मेरे को बुखार हुआ, फिर मेरा बुखार ठीक हो गया तो मैं फिर से हेल्दी हो गया। मैं आज हेल्दी था, मैं बाहर कहीं गया एंड अचानक से एक बस आ रहा था, नीम तला नीम तला नीम तला नीम तला नीम तला, और मेरे को अगर नीम तला ही ले गया तो उस केस में क्या होगा, तो मैं हेल्दी से भी डेड हो सकता हूँ। मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था, ठाक ठाक ठाक, ऊपर से एक लोहा आके ठाक, तो हेल्दी से भी डेड हो सकते हैं। हेल्दी से इंसान सिक हो सकता है, लेकिन सिक से वो हेल्दी भी हो सकता है। वो इंसान बहुत बीमार रहने लग गया और फिर अचानक से उनका, तो इस टाइप के जो मॉडल्स। लेकिन एक बात बताना, इंसान मरने के बाद में क्या सिख हो सकता है, दिस इज नॉट अ रियलिटी प्रोग्राम दैट इज गोइंग ऑन। इंसान मरने के बाद में सिख नहीं हो सकता, तो ऐसा एरो कभी मत बना देना, ऐसा एरो गलत हो जाएगा। ये कहानी घर घर की नहीं है कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता यहां पर। तो इंसान मर गया मतलब डेड स्टेट इज एन एब्सॉर्बिंग स्टेट। एब्सॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, उसी में रहेंगे, अब वापस नहीं आएंगे, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, सो ये था। उसके बाद में प्रॉफिट टेस्टिंग, मेरे को प्रीमियम मिला, मेरा कुछ खर्चा हुआ, बैलेंस पैसा को मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बैलेंस पैसे को मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से थोड़ा बहुत रिजर्व्स में डाल दिया, और फिर मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। या फिर बैक कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेरे को इतना 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 प्रॉफिट चाहिए तो कितना प्रीमियम चार्ज करूं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये भी आपके इसी पार्ट में आएंगे। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो CM1 का देयर आर टू पार्ट्स, जो अपने लास्ट डे डिस्कस किए थे, दैट वाज CT1, दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और आज जो मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, That is about CT5. That is about CT5. So CT5 मतलब क्या है? Contingencies. Contingencies का basics क्या है? कि यार मेरे को probabilities निकालना है, मेरे को मरने जीने का rates निकालना है, मेरे को बहुत सारे type के functions निकालने हैं, क्या क्या assumptions हैं, उनका application सीखना है, उसके बाद में insurance company का products कैसे price होता है, कैसे वो reserve set aside करता है, अगर दो या फिर दो से ज़्यादा lives होंगे तो कैसे deal करना है, competing risk. कंपीटिंग रिस्क मैंने आपको इतना बढ़िया समझाया, ये वाला जो मॉडल है ना, ये वाला अपना जो मॉडल है। तो कंपीटिंग रिस्क का मतलब क्या है, कि मतलब बहुत सारे टाइप के माने वो रिस्क हो सकते हैं जो हम लोग फेस करते हैं, बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक इंश्योरेंस कंपनी का जब फॉर्म भरते हो, आप जब एक इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या पूछते हैं वो लोग आपसे, एक फॉर्म मान लो मैंने भरा था अभी रिसेंट में, तो बोलते हैं क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो, क्या आप हुक्का लेते हैं, क्या आप गाड़ी तेज चलाते हैं, क्या आप रात में देरी से सोते हैं, आपका स्लीपिंग हैबिट्स बहुत गंदा है, क्या आपका ईटिंग हैबिट्स बहुत गंदा है, क्या आपको पास्ट में कोई बीमारी है, ये सब क्या है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस में इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करता है। ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। तो
ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स है, और ये आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे तो जनरली वो लोग आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे रिसेंट में उन्होंने ऐड किया है, क्या आपको या फिर आपके किसी फैमिली को कोविड हुआ है पिछले 3 महीने में, उसके सिम्टम्स डेवलप हुए हैं इस तरीके से, मतलब काफी एक अच्छा मेडिकल स्क्रीनिंग होता रहा, अगर वो लोग को लगता है तो वो लोग आपका मेडिकल रिपोर्ट्स भी मांग सकते हैं, वो लोग आपका मेडिकल रिपोर्ट्स भी मांग सकते हैं, ठीक है। आपको कोई बीमारी आपने बताया नहीं और उसकी वजह से आपका मृत्यु हो गया, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग करता है, ठीक है। तो वही है, अब जैसे ये वाला मॉडल जो है, इसमें आगे जाके हम लोग देखेंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स भी आ रहे हैं। अब जैसे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आज आप एक्टिवली काम कर रहे हो एक ऑफिस में, आप वो ऑफिस छोड़ सकते हो, आपका रिटायरमेंट हो सकता है, बीमारी की वजह से आपका रिटायरमेंट हो सकता है, या फिर आप मर सकते हो, तो ऐसे टाइप के भी मॉडल्स होते हैं। ये सारे रियल लाइफ मॉडल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक्स जो अपने सीखने वाले, एंड देन देयर इज थ्योरी। तो थोड़ा बहुत थ्योरी चैप्टर्स भी है, तो वो अपने एकदम एंड में करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अपना इंपॉर्टेंट ये सब जो अपने टॉपिक्स है ना, जो रियल लाइफ टॉपिक्स है, तो रियल लाइफ टॉपिक्स का तो अपने थ्योरी अपने जब पढ़ेंगे तभी समझ लेंगे, अपने जब पढ़ाई करेंगे तो ही अपने उस टाइम पे ही समझ लेंगे, लेकिन ये जो थ्योरी वाला जो पार्ट है ये अपने एकदम लास्ट में करेंगे, जो एकदम सेपरेट से अपना जो थ्योरी आता है, अपना 5 to 10 marks का हर टर्म में थ्योरी आता ही आता है, तो क्या है कि उसको भी अपने एकदम लास्ट में कर लेंगे, ताकि वो एकदम फ्रेश रहे और अपने एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट, लाइक पूरा इंश्योरेंस, बेसिकली पूरा इंश्योरेंस कंपनी का जो फंक्शनिंग होता है, लाइक इन एंड आउट। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो बोनस कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो हर एक टाइप का चीज मैं इसमें सीखूंगा। अब इंश्योरेंस कंपनी भी 2 types का पॉलिसीज बेच सकता है ना, एक में क्या होता है, मेरे को रेगुलर प्रीमियम देना पड़े और जब मैं मरूंगा या फिर जब मैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स जी लेता हूं तो मेरे को पैसा मिलेगा, और दूसरा टाइप का पॉलिसी क्या होता है, आज मैंने लमसम दे दिया और जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरे को एन्युइटी मिलेगा, मतलब जब तक मैं जीऊंगा हर महीना मेरे को 10,000, 15,000, 20,000 मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक टाइप का बहुत ही एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, एंड विल ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विथ रियल लाइफ केसेस। मैं अपना टर्म इंश्योरेंस वाला पॉलिसी लेके आ जाऊंगा आपके लिए, मैं अपना पॉलिसी लेके आ जाऊंगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि रियल लाइफ में कैसे कैसे काम होते हैं। तो ठीक है, ऐसा होना नहीं देना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, ये सब रिस्क को हटा दें। जब इंसान के मन में एक जुनून होता है तो ना ही भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, और ना ही मोबाइल फोन का याद आता है। तो ये सारे जो रिस्क हैं ये सबको आप लोग हटा दें, आप सिर्फ और सिर्फ उस समय पढ़ाई करें, ठीक है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ CM1। सो आई गेस मैंने समझाया आप लोग को ये सब। एक और चीज़ है जो मेरे को डिस्कस करना है कि अपने किस तरीके से आगे बढ़ेंगे CM1 के सिलेबस में, तो अपने एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो अपने आज अभी हैं अक्टूबर सेकेंड वीक में अपने हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट रहेगा 3rd week तक, अक्टूबर का जो अपना 3rd week है तब तक अपने टारगेट करेंगे जो बेसिक्स है अपना, अक्टूबर 3rd week तक अपने बेसिक्स टारगेट करेंगे, लाइक द फर्स्ट आई गेस टिल चैप्टर एट अपने टारगेट करेंगे, ठीक है। एंड 4th week ऑनवर्ड्स अपने हर एक वीक में एक मेजर टॉपिक करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक वीक में अपने करेंगे लोन शेड्यूल, एक वीक में अपने करेंगे बॉन्ड्स, अच्छा एक वीक में अपने को करना है प्रोजेक्ट अप्रेजल, और एक वीक में अपने को करना है टर्म स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक महीना में अपना ये जो पहला वाला जो पार्ट है ये अपना मोटा मोटी खत्म हो जाएगा, लाइक बाय नवंबर मिड और नवंबर 3rd week अपने एटलीस्ट जो अपना CT1 वाला जो पार्ट है इसको अपने पूरा खत्म करेंगे
एकदम स्लो जाएंगे, बिकॉज मैं बहुत सारा सम्स कराऊंगा, बहुत सारा रिव्यू सेशंस लूंगा, तो क्या है कि अपने को आपकी बार एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, लाइव भी चलेगा अपना क्लासेस और आपको वीडियो तो देखना ही है, ठीक है। तो एंड उसके बाद में लाइक जैसे ये सब जो टॉपिक्स जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर में, ये सब जो CT5 वाला जो टॉपिक्स है, ये रहा, अगर अपने इधर में देखें तो अपना कंटिनजेंसीज में, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो अपना ये जो कंटिनजेंसीज है इसमें अगेन अपने को 1 वीक स्पेंड करना है, ठीक है। ये सारा जो मेजर मेजर आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, लिखने का दरकार नहीं है, लाइक इसमें 1 वीक अगेन ये सारा जो टॉपिक्स है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 थ्योरी तो अपना इसी में कवरअप हो जाएगा। तो अपने को मेजरली ये जो CT5 वाला जो पार्ट है इसके लिए अपने को 6 वीक्स चाहिए। तो अपने इसको क्या करेंगे, एक प्लान और ट्राई पूरा करेंगे अपने कि दिसंबर एंड तक अपने इसको पूरा ख़त्म कर लें। तो 6 वीक मोटा मोटी अपना CT5 वाला में एंड 5 वीक्स मोटा मोटी अपना CT1 वाला पार्ट में लगता है। संग संग मैं एक्सेल लेके बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम दिया है, मैं एक्सेल लेके बोल रहा हूँ ये चीज़, जब जितना भी मैंने बोला है मैं एक्सेल लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेल लेके अपने ये चीज़ करेंगे एंड लाइक अभी आप लोग वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी अपना जो टारगेट चलेगा, अपना ये टारगेट चलेगा, अभी जो नेक्स्ट अपने जो टारगेट में लेके चल रहे हैं, टिल डेफर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटीज, मैंने अपने को यहाँ तक पूरा कर लेना है, टिल डेफर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटीज अपने को यहाँ तक पूरा कर लेना है। एंड अब मैं जो भी रिव्यू सेशंस लूँगा वो यहाँ तक का लूँगा, ये अपना फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। अभी आने वाले 5 to 6 days में अपने को यहाँ तक पूरा कवरअप करना है। अच्छा, एक्सेल किस तरीके से करेंगे, जो लोग ने भी एक्सेल स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक्स का वीडियो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग को बेसिक से स्टार्ट करना है एंड फिर चैप्टर स्पेसिफिक एक्सेल में मूव ऑन करना है। जो गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव में आप लोग देख सकते हो कि एक्सेल के सारे फाइल्स वगैरह एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द गूगल ड्राइव, ओके। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेक माई नंबर, इज 8100598543 एंड शिवांगी मैम का जो नंबर है इट इज 8582908949, ओके। सो 8100598543 8582908949 ये शिवांगी मैम का नंबर है नीचे वाला। सो आप लोग साइड बाय साइड करेंगे, ठीक है। सर कितने घंटे पढ़ने से मेरा रैंक आ सकता है, ये आज आप फर्स्ट डे कोई बता दीजिए ताकि हम एकदम अपना रैंक वाला प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, 2.5 आवर्स आपको पार्ट ए को देना है एंड 2 आवर्स आपको पार्ट बी को देना है, ठीक है। ये आपका स्टडी शेड्यूल रहेगा, तो मोटा मोटी समझ के चलिए 4 से 5 घंटा, ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना है। एंड अगर आप ये मेरा फॉलो करते हो देन ट्रस्ट मी आप फेल नहीं हो सकते हो, दिस इज द पास्ट रिकॉर्ड दैट इज प्रूवन। कितना भी टफ से टफ पेपर हो जाए आप फेल नहीं आ सकते हो अगर आप ये वाला रूटीन मेरा फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। सो होपिंग फॉर अ वेरी ग्रेट सेशन, आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ हो। एटलीस्ट इसमें कुछ पढ़ाया नहीं है, बस कल एक ओवरव्यू दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है, देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी में प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से कैलकुलेट होता है, प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग मतलब कितना प्रीमियम चार्ज करें, कितना पैसा सेट असाइड करें ताकि फ्यूचर लाइबिलिटीज हम लोग ढंग से मीट कर पाए, प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइफ होंगे ज्वाइंट लाइफ तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये सर अपने को सारा इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना है। आई विल ओपन फ्यू इंश्योरेंस कंपनी वेबसाइट्स ऑल्सो एंड वी विल हैव अ वेरी लाइव डिस्कशन कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप लोगों को एक बहुत ही रियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट देन। सो थैंक यू।